व्हाट शेप इज प्लैनेट अर्थ? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आज यदि सैटरडे, तो अभी मैं सुबह सुबह उठा था, ये देख सकते हैं मैंने शर्ट पहनी हुई है जी अलाइट स्कूल की, क्योंकि हम हैं जी अलाइट स्कूल के शहीन, हमें अपने, हम वो शहीन हैं जिन्होंने अपने परों से इज्तनाब पा लिया है। पर हमारे हैं नहीं, बस हम शहीन हैं, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा था जी बाहर, बाइक पे जा रहा था शॉप पे, क्योंकि मैंने चेंज कराए थे चावल, वो हमारी ऊपर वाली आपी है ना, तो उन्होंने कहा था कि चावल चेंज करा दो, उन्होंने कह रहे थे गलत ले आई थी, तो अभी मैं जाऊँ चावल चेंज कराने, और उनकी बेटी की ना वो बुक भी लेके आनी है एक रजिस्टर, तो मिलते हैं सीधे शॉप पे चल के। A few moments later. मैं चावल लेके बाहर निकल चुका हूँ, ये देखिए मेरे आदमी चावल है, तो अभी बैठते हैं जी बाइक पे, लटकाते हैं बाइक पे चावल, निकालता हूँ जेब से मैं चाबी, निकल गई चाबी, लगाते हैं बाइक में चाबी, शॉप से मैं सब चावल चेंज करा लिए, रजिस्टर मुझे यहाँ से नहीं मिला, तो अभी मैं जाता हूँ घर और मिलते हैं सीधा घर चल के। अभी फिलहाल हम दुकान पर पहुँच चुके हैं, अब हम सब जा रहे हैं जी आइसक्रीम लेने के लिए, जाओ ये जा रहा है जी शैतान, इसको आइसक्रीम खानी है इसको, इसमें 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 हाँ हाँ सही है। यहाँ पर जी बन रही है हमारी रोटियाँ, तंदूर पे हमारी रोटियाँ बन रही हैं, इधर हम सब आइसक्रीम ले रहे हैं। अपने लिए कौन सी ली है? अपने लिए भी, अपने लिए भी, चलो जल्दी से आ जाओ, चलो जाओ जल्दी से बिल कराओ और वापस आओ। शैतान परिंदा अच्छी आ चुका है, आइसक्रीम दो, इतना कैमरा भी पकड़ो, आप लोग देख सकते हैं हम सबका मोबाइल बेचने आए थे, मेरा तो दिल करता है आपको दुकान पर रखवाऊं और सारे आईफोन जो है ना वो घर ले जाऊं। तो आप लोग देख सकते हैं हमें कैसी शक्ल बनी हुई, रोंदी शक्ल। तो अभी हम सबको देंगे जी हमें फीस्ट का रिव्यू, मेरे पास भी है आइसक्रीम, मैं भी खाऊंगा, चलो रिव्यू दो कैसी है। अरे पत्थर बनी हुई है, सर्दियों में ठंडी आइसक्रीम आए है, मजा करा देती है, टेस्ट नहीं आया, नहीं है टेस्ट, मतलब अभी टेस्ट आया नहीं, नहीं आया, कब आएगा, कैसी है, है? फिलहाल अभी हमारे घर आए जी मेहमान, और मैं आज फिर गया था काम कराने के, तो मैं वापस आ चुका हूँ जी, बाइक फुल एंड फाइनल अभी नहीं हुई, अभी तकरीबन 1-2% काम रहता है, नंबर प्लेट वगैरह बनवानी, थोड़ा सा स्टिकर विकर लगवाने वो रहता है, तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल दुकान पे थोड़ा बहुत सामान लेने, और ठंड तो भाई जालिम ठंड, जालिम किस्म की ठंड हो रही है, बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है, अभी टेम्परेचर होगा कोई 6-7 टेम्परेचर तो होगा, लाजमी है ना। तो ये जी ये भूखी आवाम, भूखी आवाम, हाँ खा ले खा ले। Soon after. अभी हम आ चुके हैं जी शॉप पे, इधर बर्गर बना रहे थे, तो अभी आए इधर हाथ सेक रहे हैं आग से अपने हैं, अंदर अंकल हमारा बर्गर बना रहे हैं, बर्गर खाएंगे फिर जाएंगे घर, बाइक खड़ी है इधर हमारी, इधर आग जल रही है, हैमी साहब इधर आग के साथ खेल रहे हैं, जिस तरह हैमी का, हैमी की वाइफ है ना, वाइफी, अभी आग ने हैमी को चिपकी ना, तो फिर हैमी को पता लग जाएगा, मजा आ जाएगा, मौत को छू के टक से वापस आ सकता, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं।
तो अभी जाते हैं हम बर्गर शर्गर लेके घर, तो मिलते हैं घर चलते। One hour later. फिलहाल मैं और अरहम बैठ के ना अभी फिलहाल यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहे थे और पोस्ट जो लोग अपलोड करते हैं वो देख रहे थे, क्योंकि उनसे ना बहुत ज़्यादा आई क्यू इम्प्रूव होता है। मुझे चलो हम भी अपना आई क्यू इम्प्रूव करें। तो हमें एक शाहकार मिले, उनका नाम था ही लोनली गोरिल्ला। अब उनके सब्सक्राइबर देखे तो मुझे चक्कर आया, जिनसे कि उनके करतूतें और हरकतें थी ना, मेरा तो दिमाग एकदम ऐसा सटका ना, मैं बोला बंदा के आगे आपको दिखाते हैं कितने सही है। अब अरहम साहब से मैं जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं ना, जो उसने मतलब कि पोस्ट किए हैं, वो मैं अरहम साहब से पूछता हूँ। चलो आओ अरहम साहब। अरहम साहब इज हियर। मैं तो पहली नहीं पहली पहली पोस्ट आ गई। व्हाट शेप इज प्लेनेट अर्थ? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, मारो मुझे मारो। क्या बंदा यार ये, इसको रिपोर्टें मारो, इसका चैनल बैन करो। क्या कहते हैं, पहले महीने से हम लोग अपनी जिंदगी घिसते हुए आ रहे हैं, पढ़ पागल हो गए, और नौवीं क्लास में हम पहुंच गए, और ये हमसे पूछ रहा है कि जो दुनिया पे हम रहते हैं, जिस दुनिया पे हम खाते हैं, जिस दुनिया पे हम वो करते हैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। उस पे हमें पूछ रहा है किस शेप की है। यार मुझे पता क्या लगता है, क्यूब होगी यार, क्यूब होगी, क्यूब होगी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या लगता है आपको? वाह सेठ वाह। आपको क्या लगता है? मैं जाता हूँ कल, ठीक है ना, प्रिंसिपल के पास कहूँगा कि दसवीं क्लास में आपने बिठा दिया ना अहमद साहब को, इनको सीधा उठा के ना नर्सरी में भेजें। यार क्यूब है यार, मुझे लगता है फिर डोनट है, डोनट बच्चे तो लग गया मुझे। देख मैं कितना सेंसिबल बच्चा हूँ। ये स्टिक मैंने आपके लिए रखी है, अब इसके सवाल पढ़ते जाओ ठीक है ना, और गलत जवाब दिया ना तो ये डंडी पड़ेगी मुँह पे आपके। अच्छा अगला पीछे 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 अगला क्वेश्चन आया जी, ओए बहुत टफ क्वेश्चन है, हम जवाब दे दोगे? हाँ दे दूंगा, बहुत टफ है। हाँ। आप, मैं कहता हूँ अगर आप पीएचडी भी कर लो आप तब भी ना जवाब दे पाओ। अच्छा टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना आपकी, मैं कहता हूँ नाइन्थ, आप नाइन्थ क्लास में पहुंचे हो ना, आपको नाइन्थ क्लास में पहुंचना अभी फेल है इसके आगे क्वेश्चन के आगे। हाउ मेनी आवर्स आर इन अ डे? ओ माय गॉड, वाओ। मिले ना मैं प्लास्टिक की गन से इसको फायर मार दूं। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। व्हिच ईयर आर वी इन नाउ? अच्छा हम कौन से साल में, 1993 जिस साल में हम बैठे क्यों करके यार इस जिस साल में बैठे क्यों बंटे खेलते थे ठीक है ना, और एक दूसरे के बंटों को चोट मार के पिल्ला करते थे और बंटा मारो हो जाता था। 3 2 1 चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन। ये तो फारी क्वेश्चन है। अच्छा ये भी फारे गया है। हाँ ये मैं कहता हूँ कि ये फुल पराके पराकू बच्चों वाला सवाल है। हाँ जी अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया ना, मैं आपको भी पिज्जा ऑर्डर करके खिलाऊंगा, बर्गर भी। चलो आओ, ये हमारा साफी नहीं दे पाएगा यार, मैं तो फिर नवी में वो दो। चलो ये देखो आप इस क्वेश्चन का जवाब दो। 3 + 2 + 4 वो हिसाब है। ये घर पर बैठा लग रहा था, खाना खा रहा था, इसमें बोला मेरी दूसरी रोटी तो थोड़ी दाल और दो, बोला चल पुत्र बाहर निकल, धक्के मार के ठुडे मार के बाहर निकाल दिया, अभी अपने गेट के आ गया थड़े पे बैठ के ये काम कर। ये जी क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट प्लेनेट टू लिव ऑन? ये ना मैं कहता हूँ हम लोग ना सबसे अच्छा प्लेनेट मैं बताऊँ कौन सा है, यूरेनस पे शिफ्ट हो जाते हैं या मार्स पे? मार्स यूरेनस पे शिफ्ट हो जाते हैं यार। आपके लिए जो सबसे अच्छा प्लेनेट बताऊँ कौन सा है? मैं तो सोच रहा हूँ हम लोग ना प्लेनेट कराची पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिठा दूं मैं गोरिल्ला की, वैसे इसकी मतलब क्या बोले अब, मेरा दिल कर रहा है ना, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना एक प्लास्टिक का पाइप लूं, उसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट लगाऊं, थोड़ा सा केचप डालूं, थोड़ा सा पिज्जा सॉस डालूं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? A few moments later. So guys, फिलहाल अभी जी रात के 1 बज रहा है और अभी हमारा नींद से अलर्ट हो रहा है टैट, तो अभी हम लोग काम करने लगे हैं, हम लोग इज्जत से व्लॉग बंद करके और सोने लगे हैं, लाइट बंद कर रही, क्योंकि अगर अम्मा बाबा पता चल गया तो वहीं से उड़ता उड़ता छितर आएगा हमारे, वहाँ बजेगा जहाँ पर हमारी सोच भी ना होगी। तो बस आज व्लॉग के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा,
तो हाँ, एक और बात, ये हम लोग ना YBR का रिव्यू भी करेंगे और अपने फ्रेंड से भी रिएक्शन लेंगे, इस फीडबैक से भी लेंगे, तो वो काम एक दो दिन तीन दिन चलते रहेंगे, स्कूल जाएंगे वहाँ से भी रिएक्शन लेंगे फ्रेंड्स के। तो आज के वाले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।